हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली सांभर और चटनी की रेसिपी। तो देखिए, मैंने एक कप सूजी लिए है, एक से दो कप सूजी लेंगे। तो दो कप सूजी लिया है और एक कप दही डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लें इसे पहले, फिर इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। तो आधा कप पहले डालें, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और तो इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, तो एक कप पानी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से अच्छे से फेंट लें। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे रख देंगे कवर करके आधा एक घंटे के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूक जाए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मिक्सी जार लिया है, इसमें डाल देंगे ताजी नारियल के टुकड़े और सिंगदाना डाल देंगे भुना हुआ, अदरक मिर्ची डाल देंगे, धनिया की पत्ती डाल दें और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया है और चटनी हमारा बनके तैयार है। तो इसमें एक तड़का लगाएंगे। चलिए, इसका हम तड़का की तैयारी करते हैं। तो इसे मिक्सी बॉल में निकाल लिया है और गैस पे मैंने पैन रख दिया है, तड़का पैन। इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो चना दाल 1 चम्मच, 1 चम्मच उड़द दाल डाल के इसे अच्छे गोल्डन होने तक भून ले। तो इसे गोल्डन भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कच्चापन आएगा। तो ये देखिए, दाल अच्छे से भुन गए। तो राई डाल देंगे 1 चम्मच, हींग डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लिया है। राई अच्छे से चटक जाए तो गैस को बंद कर दें और इसमें सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डाल के इसे मिक्स कर ले। तो तड़का हमारा तैयार है, चटनी में डाल दें। चटनी देखिए बहुत ही अच्छा हमारा चटनी बन के तैयार है। तो चलिए, हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। तो सांभर बनाने के लिए मैंने तुअर दाल पहले से भिगो के रख दिया है। तो देखिए, तो चलिए इसे हम सब्जियां देख लेते हैं। गाजर, बीन्स, लौकी और शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च लिया है, इसे काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में। तो डायरेक्ट कुकर में बनाएंगे। तो देखिए, कुकर में तेल डाल दिया है, फिर इसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। राई डाल देंगे 1 चम्मच, जीरा डाल दें 1/2 चम्मच और हींग डाल दें इसमें 1/2 चम्मच। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए तो बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे 2 और अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डाल दें। तो प्याज अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम डाल देंगे सब्जियां। तो देखिए, इसमें डाल देते हैं गाजर, चॉप किया हुआ बीन्स, शिमला मिर्च, लौकी और अच्छे से इन्हें भी भून लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से सब्जियां भुन गई है। देखिए, तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाल दें 1 चम्मच और अच्छे से मसालों को भी भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें गरम मसाला 1/2 चम्मच, फिर टमाटर डाल दें इसमें 2 कद्दूकस किया होगा, इस तरह से मैंने डाल दिया है, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो अच्छे से भून ले सभी चीज़ों को। तो देखिए, इसमें डाल देंगे इमली का पेस्ट। तो मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था गर्म पानी में, अब उसका पेस्ट बना लिया। और दाल डाल देंगे जो भिगो के रखा था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें मसाले सब्जियों के साथ। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें पानी डाल देंगे। तो एक कप दाल के लिए 4 कप पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें हम डाल देंगे सांभर मसाला 2 चम्मच और मिक्स करके धनिया की पत्ती डाल दें इसमें, कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसे कवर करके पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे
दो से तीन सीटी आने तक इसे हमें पका लेना है। तो ये देखिए तीन सीटी आ गया है और सांभर हमारा बनके तैयार है। अगर गाढ़ी लग रही है तो गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हैं और गैस पे इसे खुले में थोड़ी देर पका लें तो सांभर बराबर। तो ये देखिए सांभर हमारा बनके तैयार है। तो चलिए हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे कवर करके रख देते हैं, तब तक हम इडली की तैयारी कर। तो ये देखिए सूजी भी हमारे अच्छे से फूक गई है और ये थोड़ी गाढ़ी भी लग रही है, तो इसमें हम पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें, पहले एक साथ ज़्यादा ना डालें। तो ये देखिए इसमें, तो इस तरह से मिक्स कर लें पानी डाल के। तो देखिए इस तरह का चाहिए हमने, तो बराबर है इसी तरह का हमें चाहिए बैटर। तो इसमें नमक डाल दें स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें से हम आधा निकाल देंगे क्योंकि दो बार में बनाएंगे। तो चलिए, तो इडली ट्रे में हम पहले इसमें तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे खाने में, और इसमें हम आधा इनो डाल देंगे, आधी चम्मच, और दो चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसे खाने में भर देंगे। तो ये देखिए, तो मैंने सारे खाने में इसी तरह से भर लेंगे और इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे, टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। तो ये देखिए, तो मैंने सारे लगा दिए इसे कवर करके। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और इडली बन के तैयार है, बहुत ही अच्छे से फूगी है। तो चलिए इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए इडली ठंडा हो गया है, तो इसे चाकू से अलग कर लें किनारों से और फिर इसे निकाल लें। बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंची बना है और हेल्थी भी है। इसे बनाना भी आसान है, ईजी है। तो चलिए फिर देखिए, मैंने सर्व किया है सांभर और नारियल की चटनी के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो तोड़ के मैं दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा बना है, अंदर से भी एकदम सॉफ्ट जालीदार बना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना, वॉच करना।